इन्वेस्टिगेशन है और जो एविडेंस कलेक्ट हुए हैं सीसीटीवी और बाकी सब चीज़ों के आधार पर, उसके भी आप हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया अभी तक। कितने अभी डिटेन किए हैं, क्या और रेड्स वगैरह चल रही हैं सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए? कंटिन्यूस जो सस्पेक्ट आ रहे हैं जिनके खिलाफ एविडेंस मिल रहे हैं उनको गिरफ्तारी करने के लिए टीमें लगी हुई है, शीघ्र ही बाकी लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे। सर इसमें मास्टरमाइंड कौन है या उसके सहयोगी कितने हैं? अब्दुल मलिक का भी नाम आ रहा है, उसकी क्या प्रोफाइल है, क्या रोल था उसका? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन एक दिन हुआ इन्वेस्टिगेशन चलते हुए, तो जितने तथ्य आ रहे हैं जिस तरीके से जा रहे हैं उस तरीके से हम कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में जब एक टाइम निकलेगा जब एविडेंस कलेक्ट होंगे उसके बाद में सब चीज़ों को जोड़ के देखा जाएगा कि सारे उपद्रव के पीछे कौन है और किसकी प्लानिंग के तहत ये हुआ है, तो उसके बाद हम कह पाएंगे कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। सर अब्दुल मलिक की ही वो जगह थी जिस पर कब्जा किया हुआ था और सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा था, अब्दुल मलिक पे हम जानना चाह रहे हैं। ये बात सही है कि जिस जगह को तोड़ा गया था वो जगह का निर्माण अब्दुल मलिक के द्वारा ही नजूल भूमि पर करवाया गया था, तो अब्दुल मलिक के द्वारा इसका विरोध किया गया था। सर इसमें पेट्रोल बम जिन लोगों ने फेंका, 6 से 7 लड़कों की भी तलाश है, क्या उनको भी चिन्हित कर लिया है? या ऐसे जितने भी लोग जिन्होंने पेट्रोल बम फेंका है या पुलिस पे इलीगल वेपन से फायरिंग की है या पत्थरबाजी की है, सब लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सबके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या इनसे कोई मेल आदमी पकड़ा गया है जो वीडियो में आया हो फेंकते हुए या गोली चलाते हुए? कुछ लोग हैं हमारे मतलब कब्जे में, उनसे हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम उनको बाकी चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रहे हैं। लास्ट सवाल, डिटेन कितने हो? हम इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसका आपको बताते हैं। क्या अब्दुल मलिक को मास्टरमाइंड कह सकते हैं? श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।